हिमाचल प्रदेश के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला के ब्याल के समीप देवढांक प्राकृतिक गुफा के दर्शन के लिए शिवरात्रि के दिन लोगों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि इस गुफा में शिवरात्रि के दिन शिव के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये गुफा प्राकृतिक रूप से मिट्टी की बनी हुई है और प्रवेश और निकासी के लिए गुफा में अलग अलग छेद किए गए हैं। जाने के लिए ऊपर से और निकासी के लिए नीचे से अंदर कमरे की तरफ ये निकलता है। मान्यता है कि इस गुफा में प्रवेश करते धर्मी और पापी की पहचान होती है। धर्म और पुण्य करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो आसानी से प्रवेश कर जाता है और दर्शन के बाद दूसरे किनारे भी आसानी से बाहर निकल जाता है, जबकि पापी को प्रवेश और निकासी में कठिनाई होती है। गुफा के भीतर प्राकृतिक तौर से शिव का आकार बना है। मान्यता है कि जब भस्मासुर शिव का पीछा कर रहे थे तो शिव इसी गुफा में आकर छिपे थे। उसके बाद शिव इसी गुफा के सिर पर बने सुरंग से होते हुए श्रीखंड पहुंचे थे। बताया जाता है कि आज भी इस गुफा के भीतर कई किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सुरंगें भी हैं। देवढांक मंदिर प्रमुख टेक सिंह भंडारी ने बताया कि इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन दर्शन से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए भारी संख्या में लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि ये गुफा प्राकृतिक मिट्टी की बनी है। यहाँ स्वयं शिव ने तपस्या की थी और भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपे थे। जब भस्मासुर को शिव के इस गुफा में छिपने का पता चला था तो वे गुफा के गुप्त मार्ग से श्रीखंड कैलाश के समीप भीम डावरी से निकले थे। वहां शिव ने वेश बदल कर मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का वध भी किया था। इसकी मुख्य विशेषता ये है जी कि जो पापी आदमी होता है चाहे वो पतला भी हो वो भी जो प्रवेश द्वार में फंस जाता है। अगर जो है मोटा आदमी जितना मर्जी मोटा भी हो अगर उसके कर्म अच्छे तो वो आसानी से जो है प्रवेश कर सकता है गुफा के अंदर। ये विशेषता ही है। स्थानीय निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि भारी संख्या में लोग आज यहाँ आए हैं। शिवरात्रि के दिन इस गुफा में शिव के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्राकृतिक गुफा में धर्मी के प्रवेश में कोई मुश्किल नहीं होती जबकि अधर्मी का प्रवेश मुश्किलों से होता है। वहीं किशन कुमार ने बताया कि शिवरात्रि के दिन यहाँ आने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक गुफा में प्रवेश में पापी और धर्मी की पहचान होती है। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। नमस्कार, मैं राजीव शर्मा। सबसे पहले मैं देशवासियों को शिवरात्रि शुभकामनाएं देता हूँ। और ये देवढांग गुफा पास पायल गांव में है, यहाँ पे आज शिवरात्रि के दिन हजारों यात्री दर्शन के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक ये नेचुरल प्राकृतिक गुफा है, इसमें जो है निकास द्वार और प्रवेश द्वार दिए गए हैं तो माना जाता है कि इसमें जो है पुण्य लोगों का पता चलता है कि वे जो प्रवेश द्वार में है उनको आना मुश्किल रहता है, लेकिन अगर कोई अच्छे कर्म किए हो धर्मात्मा हो तो उसको आसानी से प्रवेश पा जाता है। तो इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं और ये मंदिर जो है पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। और श्रीखंड महादेव के समय भी पूरे महीने श्रावण के महीने पर लोगों का तांता लगा रहता है।